आगे रुक्मणी कहे प्रभु गिरधर नागर हरिजीरी वाटा नित उठ ज्योति के मैं हरिजीरी वो जो वाट है हमेशा नित उठ ने जो तुम्हारे सांवरो मिलन कर खुशी। इन तरह जो मीरा भाई ध्यान दीजिए भाई मीरा जो रुक्मणी मन में जो बात थी वार वार बात अटे मीरा भाई आपरे भजन और माने बड़ी सरल भाव रे मान रखी। रुक्मणी इस तरह बड़ी चिंता में थी कि अभी तक ब्राह्मण देवता आयो नहीं भगवान का कोई संदेश मिल गया नहीं। रुक्मणी इतना चिंता में थी जरूर कोई मार्मिक कोई दोष है मार्मिक कोई खोट है हमारा भाग्य मंद है विदाता और भगवान शंकर ही मारे अनुकूल नहीं है। हो सकता है कि रुद्र पत्नी गिरिराज किशोरी पार्वती भी प्रसन्न नहीं है। इस तरह रुक्मणी भगवान को ध्यान करते हुए रुक्मणी रोमन भर आयो आंखों में आंसू भर आया उन्होंने अपने आंखें बंद कर दी। रुक्मणी इस तरह आंखें बंद कर दी और आप रोचित भगवान के चरणों और माने लगा दियो और उसी समय रुक्मणी ने एक सुगंध मिली। रुक्मणी री बाई जांग बाई जगा और बाई भुजा और बाई आंख ध्यान दीजिए इन्हीं सात रुक्मणी ने सुगंध मिलियो बाई आंख बाई जंगा और बाई भुजा उन्हें भरुकी। इन बाद में तुरंत इतर माने ब्राह्मण देवता रुक्मणी रे महल में पहुंचे भगवान कृष्ण उठे विदर्भ देश पहुंच जावे और ब्राह्मण देवता तुरंत जाने के वे हे रुक्मणी कृष्ण भगवान आ गया। रुक्मणी जो ही सुनियो के कृष्ण आ गया ब्राह्मण संदेश दियो रुक्मणी इतनी प्रसन्नचित रही इतनी प्रसन्नचित हुई रुक्मणी क्यों हे ब्राह्मण देवता वारी जाऊं ब्राह्मण देव वारी जाऊं जो कुछ भी है सब तने निछाओ रे मारी संपत्ति। रुक्मणी ब्राह्मण देवता रे उन्हें जो ही भगवान कृष्ण आवारी बात सुनी और क्योंकि हे ब्राह्मण देवता थे मारा गुरु हो ब्राह्मण जगत गुरु। देखो जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु संदेश जगत गुरु ब्राह्मण है और ब्राह्मण गुरु संदेश है। रुक्मणी जब सुनियो ब्राह्मण देवता जाने के हो तो भगवान मदार गया तो वटे रुक्मणी उन ब्राह्मण देवता ने गुरु रूप में केवे ब्राह्मण जगत गुरु है ब्राह्मण जगत गुरु है जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी सन्यासी उनसे भी पूछा है इसलिए रुक्मणी वहां पर ब्राह्मण देवता को गुरु रूप में कहती है। गुरु सा कतरे आओ ना मारे देश में गुरु सा कतरे आओ ना मारे We'll be right back.
और रुक्मणी भगवान दे संदेश मिल जाओ कि भगवान पधार गया। रुक्मणी बड़ी प्रसन्नचित रहे और वह अपनी सखी सहेलियों के साथे बड़ी सुरक्षा के साथे वह गौरी पूजन के वास्ते जावे। ध्यान दीजिए, भगवान कृष्ण जब बोले विदर्भ देश पहुंचे तो रुक्मणी जो पिता है ना भीष्मक, उनको जब पता चले कि कृष्ण आए हैं यहाँ पर, तो कृष्ण भगवान के रहने की तुम वहां पर व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करते हैं। फिर दूसरे दिन जब वो रुक्मणी वहां पर गौरी पूजन के लिए जाती हैं, तो आगे क्या प्रसंग होता है, गौरी आराधना करती है, वो सब प्रसंग को हम कल लेंगे। रुक्मणी का ब्याह जो है ना, ब्याह का कल भगवान कृष्ण और रुक्मणी का ब्याह हम कल लेंगे। आज की जो कथा है इसको यहीं पर विश्राम देते हैं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोले कृष्ण भगवान की जय हो।